दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स रिवील पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स रिवील को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हम कुछ सैनिक को जंगल में देखते हैं, जहां उनके साथ इवान नाम का शख्स भी होता है जिसने नए जमाने के कपड़े पहन रखे थे। दरअसल इवान एक राजा का बेटा है जिसे उसके पिता ने जादू के प्रयोग से भविष्य की दुनिया में भेज दिया था ताकि वो उनके दुश्मनों से सुरक्षित रह सके। भविष्य की दुनिया में इवान अनाथ था जो एक दिन अचानक से अपने समय में यानी कि पास में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई। और ये कहानी इस मूवी के पहले पार्ट में बताई गई है। और अब हम वापस से इस मूवी पर आते हैं, जहाँ इवान और बाकी सैनिकों का सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से होता है जिसका सिर्फ सर ही था, यानी कि उसके पास कोई शरीर ही नहीं था। और अब यहाँ वो लोग काफी संघर्ष के बाद उस मॉन्स्टर के सिर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ फेनिस नाम का योद्धा उस सिर को एक थैली में डालकर बाकी लोगों के साथ वापस अपने राज्य चला जाता है। उनके राज्य का नाम व्हाइट सिटी था, जहाँ एक छोटी बच्ची को एक महिला की टोकरी से सेब चुरा कर खाते देखते हैं, जहाँ सेब खाते दौरान उस बच्ची को एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता है जिस पर वो उस फूल की तरफ आकर्षित होकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने पर उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है। तभी वो महिला जिसकी टोकरी से इस बच्ची ने सेब चुराया था वो उसके पास आकर सवाल करती है कि आखिर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जो देख कर हम समझ पाते कि उस महिला को बच्ची की फिक्र है। फिर तभी वो महिला भी उस फूल से आकर्षित होकर उसे छूने की कोशिश करती है जिस दौरान उसे भी कांटा लग जाता है, इसलिए वो उस फूल को तोड़कर बच्ची को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जिसने अपने कमरे में भविष्य की बहुत सी चीजें जैसे वॉशिंग मशीन, लाइट बल्ब और ओवन वगैरह रखा होता है, जिसे चलाने के लिए उसके पास जनरेटर भी था और वो इन चीजों को भविष्य में जाकर लाया करता था, जिसके बाद वहाँ बेलिसा आकर इवा से बात करने लगती है। पर उसी समय एक सैनिक इवान के जनरेटर को शैतान समझकर उसे तोड़ देता है। वहीं अभी इस तरफ हम उस महिला को बच्ची के साथ देखते हैं, जहां उस छोटी बच्ची के शरीर पर कुछ निशान बन रहे थे और बिल्कुल वैसा ही निशान उस महिला के हाथ में भी बन रहे थे, जो देखकर हम समझ पाते कि ये सब उस फूल की वजह से हुआ है। अब अगले सीन में हम वापस से इवान को देखते हैं जो अपने पिता यानी कि राजा की जादुई तलवार से एक पोर्टल बनाकर भविष्य की दुनिया में आ जाता है, जहां वो एक सुपरमार्केट से नया जनरेटर और बाकी जरूरत की चीजें खरीदकर फिर से पास में लौट आता है। उधर वो महिला बच्ची को लेकर एक जादूगरनी के पास जाती है, जहां उस बच्ची के बालों की जांच करके जादूगरनी बताती कि इस बच्ची के ऊपर शैतानी सा आया है, इसलिए इसे जान से मार दो। जो सुनकर वो महिला उस जादूगरनी को ही भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। फिर रात के समय वो महिला और बच्ची अपने आप ही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें चमकता हुआ फूल दिखाई दिया था, लेकिन वहां जाने पर एक जादुई पेड़ उन्हें जकड़ लेता है और ये सीन यहीं कट होकर अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है, जहां राजा ने एक प्रतियोगिता रखवाई थी जिसमें राज्य के सभी लोग अपनी अपनी ताकत और काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं। तभी फेनिस एक मॉन्स्टर को कैद करके वहां ले आता है जिसमें फेनिस काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और अपने प्रदर्शन के बाद वो इवान को प्रतियोगिता में भाग लेने की चुनौती देता है, जिस पर इवान पहले तो वापस से अपने समय में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता की जादुई तलवार काम ही नहीं करती क्योंकि उसका जादू खत्म हो गया था। दरअसल इवान हर रोज भविष्य में जाया करता था जिस कारण तलवार की शक्ति कम होती चली गई और आखिरकार अब उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है, इसलिए इवान को मजबूरन उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़ता है जहां वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। पर उसी समय वहां दो चुड़ैले आकर राजा से उसकी जादुई तलवार मांगती है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि ये चुड़ैले कोई और नहीं बल्कि वो महिला और बच्ची ही हैं जिन्हें जादुई पेड़ ने चुड़ैल बना दिया। तभी गैलिना नाम की चुड़ैल बारबरा से कहती कि वो उस तलवार को लेकर आए, जबकि वो खुद राजा के कुछ सैनिकों पर कोई जादू करती है जिससे उन सैनिकों की आंखें गायब होकर वो लोग अपने ही साथियों से लड़ने लगते हैं। इतने में ही बारबरा एक पक्षी का रूप बनाकर उस तलवार को ले लेती है, पर इवान अब अपना मोबाइल फेंक कर मारता है जिससे बारबरा के हाथ से वो तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाता है। तब राजा उस तलवार से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादू खत्म होने की वजह से वो तलवार किसी आम तलवार की तरह हो गई थी, इसलिए राजा उस तलवार को इवान के हाथों सौंप कर उसकी रक्षा करने को कहते हैं क्योंकि आज नहीं तो कल इस तलवार की शक्ति वापस ही आ जाएगी। इस पर अब इवान, बेलिसा, फेनिस्ट और जादूगरनी उस तलवार को लेकर भाग निकलते हैं, जो देख कर चुड़ैलों के साथ ही उनके
पीछे जाते जिस पर चालाक जादूगरनी सीटी बजाकर अपनी जादुई झोपड़ी को बुलाती है। वहीं है बारबरा के साथी जैसे ही उस जगह पर आते उन्हें वो झोपड़ी नदी के पानी में तैरकर आगे जाते हुए दिखाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि सभी लोग झोपड़ी के अंदर होंगे, लेकिन उस झोपड़ी में कोई नहीं था क्योंकि सारे लोग उस नदी के पास बने खोखले पेड़ के अंदर छुपे हुए थे। यहाँ बीवैन उस जादूगरनी से सवाल करता है कि आखिर वो चुड़ैले कौन थी और उन्हें तलवार क्यों चाहिए, जिस पर जादूगरनी बताती कि हजारों साल पहले यहाँ एक नेक दिल जादूगर रहा करता था जो किसी भी चीज को छूकर उसके अंदर जान डाल देता था। फिर एक दिन उसे ऐसा लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है और बहुत जल्द उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसने अमर होने के लिए एक जादुई तलवार बनाई और ये वही तलवार है जो इस समय इवैन के पास मौजूद है। उस तलवार में सूर्य ग्रहण के समय जादुई हीरा लगाने पर वो जादूगर अमर हो जाता है, लेकिन जादूगर के चेले कोशी ने उस तलवार के लालच में आकर जादूगर के ऊपर एक विशालकाय पत्थर गिराकर उसे जान से मार दिया, लेकिन वो जादूगर मरने के बजाय जमीन में ही दफन रहा और उसके मन में नफरत भर जाने के कारण वो एक शैतान बन गया और अब उसी शैतान जादूगर को वो तलवार चाहिए। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी नदी का राजा वहां आकर उन्हें डेडलैंड के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें उस शैतानी जादूगर को मारने का तरीका डेडलैंड में ही पता चलेगा, जिस पर वो सभी नदी के राजा के साथ आगे जाकर एक चट्टान पर रुकते हैं। दूसरी तरफ दोनों चुड़ैले चलने वाली झोपड़ी तक पहुंचकर उसके अंदर देखती है जहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता, इसलिए अब गैलिना उस झोपड़ी को जलाने का आदेश देती है, लेकिन सही समय पर दूसरी चलने वाली झोपड़ी आकर उस पहली झोपड़ी को बचाकर वहां से ले जाती है। वहीं इस तरफ चट्टान पर फेनिस और इवैन को लोहे की दो जंजीरें मिलते हैं, जिनमें से एक जंजीर को फेनिस बड़ी आसानी से उठा लेता है, लेकिन इवैन दूसरी जंजीर को नहीं उठा पाता, जो देखकर जादूगरनी अपनी थैली से जादुई फलियां निकालकर खा लेती है, जिस कारण उसमें बहुत ज्यादा शक्तियां आ जाती है, इसलिए वो दूसरी जंजीर को खींचकर पानी में से एक विशालकाय व्हेल मछली को निकालती है। दरअसल वो लोग जिस चट्टान पर खड़े थे वो उस व्हेल मछली के ऊपर ही था, जिसके बाद वो व्हेल मछली उन सभी को लेकर हवा में उड़ जाती है और उड़ते हुए वो उन लोगों को डेडलैंड तक पहुंचा देती है। इसी बीच इवैन उस जादूगरनी की थैली को चुरा कर अपने पास रख लेता है और डेडलैंड पहुंचकर वो उनमें से कुछ फलियां निकाल कर खा लेता है, जिससे उसके अंदर भी ताकत आ जाती है, इसलिए वो एक विशालकाय पत्थर को उठाकर दूसरी ओर फेंकते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अब आगे हम उन सभी को बोलने वाले पहाड़ के पास देखते हैं, जहां वो पहाड़ बताता है कि वो सिर्फ उसे ही अंदर जाने देगा जो उसकी तीनों सवाल के सही जवाब दे, वरना वो उन्हें बर्फ में जमा कर मार देगा। अब इस पर इवैन उसे ही अपनी बातों में उलझा कर तीन ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब उसे पहले से पता था, इसलिए वो उस पहाड़ से कहता है कि तुमने मुझसे तीन सवाल पूछ लिए जिनके जवाब भी मैंने दे डाले, इसलिए मैं और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जिस पर वो पहाड़ समझ जाता है कि इवैन ने उसे बेवकूफ बनाया, पर क्योंकि उसने तीन सवालों के जवाब दिए थे इसलिए वो उसे एक चमकदार पत्थर देकर अंदर जाने को कहता है, जिस पत्थर की मदद से इवैन किसी भी मरे हुए शख्स को वापस ला सकता था। अब अंदर जाने पर इवैन को उसके पिता मिलते हैं, जो देखकर वो हैरान में पूछता है कि आखिर आप यहाँ कैसे पहुंचे, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि गैलिसा उन्हें जान से मार दिया था, इसलिए वो डेडलैंड यानी कि मुर्दों की दुनिया में पहुंच गए, जो पता चलते ही इवैन को बहुत दुख होता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास वो चमकदार पत्थर है जिसकी मदद से वो अपने पिता को जिंदा कर सकता है, इसलिए वो अपने पिता को वो चमकदार पत्थर देता है, लेकिन उसके पिता उस पत्थर को खुद लेने के बजाय कोशी को देते हुए उसे इवैन के साथ बाहर भेज देते हैं। अब बाहर आकर वो सभी कोशी के साथ वापस अपने राज्य यानी कि व्हाइट सिटी की तरफ आने लगते हैं, जहां आगे उन्हें एक नदी मिलती है, इसलिए इवैन फिर से जादुई फैलिया खाकर एक विशालकाय पेड़ को गिरा देता है, जिससे नदी पार करने का पुल तैयार हो जाता है। अब इसके बाद वो जादूगरनी कोशी से शैतानी जादूगर को मारने का तरीका पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस पर जादूगरनी गुस्से में उसके सिर पर मारती है और ऐसा करने से उसे काफी सारी चीजें याद आ जाती है, इसलिए अब कोशी बताती है कि जिस पत्थर के नीचे मैंने उस जादूगर को दबाया था उस पत्थर के टुकड़े करने से वो हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन उस पत्थर को सिर्फ इवैन की जादुई तलवार से ही तोड़ा जा सकता था। तब इवैन बेलिसा को बताता है कि बार बार भविष्य का सफर करने के कारण उस तलवार की शक्तियां खत्म हो चुकी है, जो सुनकर वो उससे नाराज हो जाती है। फिर इवैन उस तलवार से एक पेड़ को काटने की कोशिश करता है, जिसमें नाकाम होने की वजह से उस तलवार को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन ऐसा करते ही उसकी तलवार खुद ब खुद और ज्यादा अंदर चली जाती है और अब हम देखते हैं कि वो तलवार जमीन की शक्तियां सोकर वापस से पहले जैसी हो जाती है, यानी कि उसका जादू वापस आ जाता है। इस पर अब इवैन फिर से जादुई फैलिया खाकर
जाकर एक बड़े पत्थर के नीचे उस तलवार को छुपा देता है और अब आगे हम उन सभी को आराम करते हुए देखते हैं। इस दौरान फेनिक्स पहरा दे रहा होता है पर तभी उसके सीने में एक तीर जा लगता है जिसे बारबरा ने चलाया था क्योंकि उसको उन सब का पता चल चुका था। यहाँ बारबरा के सैनिक बाकी लोगों पर टूट पड़ते हैं जहाँ बेलिसा कोशी जादूगरनी और वो मॉन्स्टर वाला सीज जिसे इवैन ने अपने साथ ले आया था वो चारों मिलकर उन सैनिकों से लड़ने लगते हैं। जबकि इवैन अपनी तलवार को निकालने के लिए पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन फलियों का असर खत्म हो जाने के कारण उससे वो पत्थर नहीं उठता। इस पर अब वो फिर से उन फलियों को खाने के लिए जादूगरनी की थैली निकालता है लेकिन वो पूरी तरह से खाली होती है। वहीं उसे ऐसा करते देख वो बुजुर्ग जादूगरनी उस पर बहुत गुस्सा करती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि इवैन के पास इतनी ताकत कहां से आ रही थी। इधर लड़ाई में बारबरा के सैनिक उन सभी पर भारी पड़ रहे थे इसलिए उन लोगों को लड़ाई छोड़कर भागना पड़ता है जबकि बारबरा उन्हें जाने देती है क्योंकि उसे वो जादुई तलवार मिल चुकी थी जिसे लेकर वो उड़ जाती है। लेकिन वो ये तलवार गैलिसा को नहीं देने वाली थी बल्कि पूरी सलवार का प्रयोग करके अमर होना चाहती थी। दूसरी तरफ बेलिसा इवैन को थप्पड़ मारकर बाकी लोगों के साथ आगे चली जाती है जिस पर इवैन भी उनके पीछे आने लगता है लेकिन रास्ते में कुछ पत्थरों के गिरने की वजह से इवैन और उसका मॉन्स्टर सिर बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। अब सिंस बाकी लोग इवैन से नाराज थे इसलिए वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए इवैन वापस से पीछे आता है जहां उसे अपनी जादुई तलवार की म्यान मिलती है। अब अगले सीन में हम बारबरा को उल्लू के रूप में तलवार लेकर जाते हुए देखते हैं पर तभी गैलिना आकर उसके ऊपर वार करके तलवार को नीचे जंगल में गिरा देती है जिसके बाद वो दोनों भी नीचे जंगल में आ जाती है जहां गैलिना बारबरा से कहती है कि तुम्हें जादूगर को धोखा नहीं देना चाहिए लेकिन बारबरा उसकी एक नहीं सुनती। तब गैलिना उसके ऊपर जादू करके उसे भी वैसा ही बना देती है जैसा उसने राजा के सैनिकों को बनाया था जिसका मतलब ये है कि बारबरा भी गैलिना की गुलाम बन चुकी है। अब आगे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे फेनिक्स ने प्रतियोगिता वाले दिन पकड़ कर ले आया था। दरअसल ये मॉन्स्टर गैलिना और बारबरा के हमले वाले दिन वहां से भागकर जंगल में आ गया था और अब उस मॉन्स्टर को जंगल में वही तलवार मिलती है जिसे लेकर वो आगे जा रहा था कि तभी उसे इवैन और मॉन्स्टर सिर दिखाई देते। अब यहाँ इवैन उस मॉन्स्टर से अपनी तलवार वापस लेकर व्हाइट सिटी पहुंचता है जहाँ हर तरफ गैलिना के सैनिक नजर आ रहे थे क्योंकि उसने सभी सैनिकों को अपने वश में कर लिया होता है। इसके बाद इवैन उन सभी सैनिकों से लड़ने लगता है जबकि दूसरी तरफ बेलिसा उस बुजुर्ग जादूगरनी की दवा को फेनिक्स के घाव पर लगाती है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब वो सभी भी इवैन का साथ देते हुए गैलिना के सिपाहियों से लड़ते हैं। तभी मॉन्स्टर सिर एक पत्थर के ऊपर जाकर बताता है कि शायद ये वही पत्थर है जिसे काटने से जादूगर की मौत हो जाएगी इसलिए इवैन उस पत्थर के कई टुकड़े करता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए वो कोशी से उस पत्थर के बारे में पूछता है लेकिन तभी एक सिपाही कोशी का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है जो देखकर इवैन कोशी के सिर से उस पत्थर के बारे में सवाल करता है। तब कोशी का शरीर एक तरफ इशारा करके उस पत्थर का पता बताता है फिर कोशी अपना सिर उठाकर वापस से अपने शरीर से जुड़ जाता है जिस दौरान गैलिना वहां आकर उन सभी पर वार करती है और इस हमले में कोशी का सिर एक बार फिर से टकरा जाता है जिस कारण उसकी सारी यादें वापस आ जाती है जिससे वो समझ जाता है कि अगर उस पत्थर को तोड़ा गया तो जादूगर मरेगा नहीं बल्कि वो आजाद हो जाएगा इसलिए वो इवैन को ऐसा करने से तुरंत रोकता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि इवैन ने तब तक उस पत्थर पर वार कर दिया था। अब इवैन के वार करते ही एक तेज रोशनी के साथ वो जादूगर आजाद होकर बाहर निकल आता है और अब आजाद होते ही वो इवैन को मारने की कोशिश करता है जिस पर फिर कोशी उससे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है इसलिए मुझे मार दो लेकिन वो जादूगर कोशी को मारने के बजाय उसे जमीन में गाड़ देता है और फिर इसी के साथ वो बाकी लोगों को भी अपनी जादुई टहनियों से जलाकर जमीन में गाड़ने लगता है। तभी इवैन को अपने विजन में उसके पिता नजर आते हैं जो बताते हैं कि हमें जमीन से ही सारी शक्तियां मिलती है इसलिए तुम अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करो और अब इसी के साथ इवैन का विजन खत्म हो जाता है और अब हम देखते हैं कि उसे जमीन से कुछ शक्तियां मिल रही है जिसके बाद वो जादूगर की टहनियों को तोड़कर उसे भी जमीन से उखाड़ कर दूर फेंक देता है। दरअसल इवैन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जिस तरह उसे और उसकी तलवार को जमीन के द्वारा शक्तियां मिल रही है उसी तरह जादूगर की शक्तियां भी जमीन से आ रही है इसलिए उसने जादूगर की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंका था। फिर इवैन अपनी जादुई तलवार के मदद से उस जादूगर को भविष्य की दुनिया में ले आता है जहां हर तरफ कॉन्क्रीट और सड़क थी। इवैन अब उस जादूगर से कहता है कि यहां तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी
इसलिए इस दुनिया में तुम काफी कमजोर हो। तब जादूगर रोड तोड़कर नीचे की मिट्टी से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस रोड के नीचे कंक्रीट से बना बेसमेंट होता है। वहीं काफी देर तक जमीन से ना जुड़ पाने की वजह से उस जादूगर का शरीर नष्ट होकर राख में बदल जाता है, जिससे पास के समय में बेलिसा, कोशी, फेनिस और बाकी लोग उसकी टहनियों से आजाद हो जाते हैं। और अब इवान भी वापस से पास वाले समय में आ जाता है। अब इसके बाद व्हाइट सिटी का दूसरा जादूगर अपने जादू से सभी सैनिकों को पहले जैसा कर देता है, जबकि गैलिना वहाँ से भाग निकलती है। उसकी जाति अब इवान बेलिसा को प्रपोज करके उसे किस करता है, जबकि मूवी की आखिरी सीन में हम इवान को फेनिस और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में देखते हैं, जहाँ उन्हें कुछ अंडों में से झोपड़ियाँ निकलती दिखाई देती है, जो जादूगरने की बड़ी झोपड़ियों के साथ भाग जाती है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका पहला वाला यानी कि प्रीक्वल पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि बेस्ड ऑन डिमांड में इसे एक्सप्लेन कर सकूं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।